सुप्रभात, नमस्कार साथियों। शिव तांडव परिसर में हैं हम इस समय और यहाँ की खूबसूरत छटा को आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल शांत मौसम, जड़ी बूटियों से लबरेज हमारा गोरखगिरी पर्वत अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, लोग रजाइयाँ अभी भी नहीं त्याग पा रहे हैं, जबकि ठंड बहुत कम हो गई है। अब लोगों को आना चाहिए और यहाँ का आनंद लेना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। चल रहे हैं शिव तांडव पार्क, वहाँ आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरत लाइटिंग है और कितना अच्छा लग रहा है वहाँ। बस दो बाइक इधर खड़ी हैं, एक ये खड़ी है तीन, और एक बाइक और खड़ी हुई है, एक साइकिल। बस सन्नाटा है चारों तरफ। ये देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम ये पार्क का मुख्य द्वार है, ये देखिए अंदर कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत पैसेज दिख रहा है और ये शानदार पेड़ बरगद का। यहाँ एक कुआं बना है, घुसते ही दूध वाला मुन्ना जैन दिखाई दे रहे हैं। बस आ गए हैं। जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। ये देखिए यहाँ का भारत अखंड, सार्वजनिक शौचालय, सब सन्नाटा है। गिने चुने लोग बस यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। ये देखिए इधर का व्यू, सुबह सुबह कितनी खूबसूरत लाइटिंग है इधर की। और ये झील जो पार्क के अंदर है उसको देखिए, आपका आपको सुबह सुबह का नजारा दृश्य दिखाएं। देखिए बतकों की आवाज आ रही है। बस दो चार लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ ओपन जिम है, देखो मुन्ना जैन ओपन जिम की एक मशीन पर पैर चलाते हुए। ये एक ऊपर बैठे हैं ग्यासी, बाकी बहुत ही शानदार नजारा है। ओम नमः शिवाय। कौन सोनी महेंद्र आ गए क्या? अच्छा महेंद्र भाई आ गए। चलो ये देखिए एक वृक्ष यहाँ भी दिख रहा है, बहुत अच्छा। ये जामुन का है, महुआ या जामुन का पेड़ है कोई। ये देखिए महेंद्र सोनी जुटे हुए हैं। तीन हैं इधर पर, अभी सब खाली है। अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। बस ये माया उदेश भाई साहब जरूर थोड़ा खुचड़ पैंच में लगे हैं। हाँ वही दिख रहे हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। और क्या है आज के मौसम का हाल? कुछ नहीं, हम तो देख रहे हैं सन्नाटा डला है, कोई दिखाई नहीं रहा दूर दूर तक। हाँ। लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। दो तीन लोग मुख्य द्वार से घुसे हैं अभी, बस बाकी सन्नाटा है। और ये देखिए चारों तरफ का व्यू है, बहुत ही अच्छा सुबह सुबह लगता है यहाँ। ये देखिए दो तीन लोग अभी नए आए हैं, बाकी सब सन्नाटा है। ये देखिए ओपन जिम एरिया, पार्क में घूमने का आनंद ही कुछ और है। इसमें महोबा के लिए नायाब तोहफा है ये, एक ही पार्क है बस घूम फिर के। ये लाइट जरूर यहाँ की टेढ़ी हो गई है, ये देखिए एक लाइट टेढ़ी हो गई है। एक गेट ये है पार्क का दूसरा वाला,
और चिल्ड्रन पे प्ले एरिया है कि इसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें झूले वगैरह लगे हैं तमाम, लेकिन अभी सब शांति है। इसमें आइए झूले दिखा दें कौन कौन से लगे। देखिए इस पे घूमने की भी है इंतजाम, और पीछे दिख रहा है ये देखिए एक झूला ये है और ये सब झूले लगे हुए हैं, पर अभी इसमें कोई है नहीं, सब सन्नाटा है। अभी कुछ झूले बीच बीच में और हैं, ये देखिए हल्की हल्की देखिए रोशनी हो गई है, और हमारा गोरखगिरी पर्वत भी दिखाई देने लगा है। ये पीछे मेरे दिख रहा है आसमान में बादल, और ये गोरखगिरी पर्वत। कुछ झूले और लगे हैं, ये सब झूले मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस तरह के झूले हैं। देखिए कि ये झूला है जिसमें चढ़ने उतरने का सब सीढ़ियां नुमा है, और एक ये लगा हुआ है। ये चिल्ड्रन पार्क हो गया। देखो महाराज आ रहे हैं, माय सुरेश महाराज। हाँ भाई, जय भोले की। जय भोले की, जय भोले की, जय। कौन सा चक्कर है आपका ये? हमारा ये चौथा चक्कर है। चौथा चक्कर? हाँ। बड़ा है, आपने आज जो है बहुत आगे निकल गए आप तो। हाँ, आज और सुबह 4 चक्कर लगते हैं, शाम को भी 4 चक्कर लगते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए भाई। महाराज जय भोले भंडारी। महाराज यहाँ जो है ड्यूटी में भी हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया। ये पार्क जो है अभी 3 साल हुए इसको बने। ये पूरा एरिया जो है इनक्रोचमेंट का शिकार हो रहा था, इसको बचाने के लिए प्रयास किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद ये पार्क बन पाया, नहीं तो सब एरिया कुछ दिन बाद यहाँ सब मकान बन जाते और ये पूरा ख़त्म हो जाता। तो बस बच गया है, एक अच्छा काम हुआ है, कम से कम खूबसूरत पार्क बन गया। जो भी जगह इसी तरह से और भी बहुत जगह है महोबा में जहाँ पर खूबसूरत पार्क बन सकते हैं और उनको संवारा जा सकता है, लोगों के लिए एक अच्छी जगह बन सकती है, पर अभी प्रशासन की ओर से इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कोई कोशिश नहीं की जा रही है। पर हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम तो रोज ही यहाँ आते, सवेरे 5:30 बजे रोज आ जाना है, फिर उसके बाद और साथी जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग ऊपर गोरखगिरी पर्वत जाएंगे, अभी सिद्ध बाबा। तो टाइम हम लोगों का होने जा रहा है 6:15 पे, हम लोग इस समय निकलते हैं, 6 बजने वाला है, बस 10-15 मिनट में हम लोग निकलेंगे। जय भोलेनाथ, जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। हाँ देखिए हमारे मार साहब भी आ गए हैं, संतोष पटेरिया जी भी आ गए हैं। कहा है मार साहब, कहा कह रहे भैया, कहा हो कल मार साहब ने टोपी पहन ली, हमने पहनी कहा है, है? पहरा दी थी, फिर उतारी। अच्छा, पहराई थी उनको, उनने पहराई इनको। अरे तो ऐसा करो, अब उन्हें पहरा दे आप। नहीं हम ना पहना पाए, जब आप नहीं पहना पाए तो हम कहां से पहना पाए। नहीं हमें तो कल दूध की बर्फी वाजपेयी जी ने खवा दी थी। वाजपेयी जी फोन तक नहीं उठाओ, बताओ ये दशा है तुम्हारे मित्र आए, महेंद्र सोनी भी आ गए, प्रेम भी आ गए, क्या बात है भाई, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। देखो पीछे दिखाई नहीं दे रहे, ये देखिए अब संख्या हमारी करीब 8-9 लोगों की हो गई है, अब हम लोग ऊपर चलेंगे। पटेरे जी आ चुके, उनका उद्बोधन हो गया है। पटेरे जी आज दर्शन कई दिन बाद दे रहे, क्या बात है?
नहीं अभी आए थे दो तीन दिन पहले रहते हैं। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, उन कुत्तों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो अजय अजय भी आ गए हैं, आप ये अजय मिश्रा जी भी आ गए हैं भाई। देखिए अभी दूसरे मिश्रा जी हैं, अभी सुधीर और वाजपेयी जी बाकी हैं। बस अब हम लोग ऊपर चढ़ने की तैयारी करेंगे। सिद्ध बाबा उठा रही, उठा रही।